हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें पूरे दिल आत्मा से जुट जाना है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से डर नहीं लगता। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबसे कल्याण की कामना करता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सबसे अच्छा सबक जो है आप जीवन में सीख सकते हैं वह है कि कैसे शांत रहना है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। जब तक आपके मन में नाराजगी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है।